दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत। हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछले दिनों हमने एक एपिसोड दिखाया था और उस एपिसोड में हमने आपसे वायदा किया था कि जो पर्सनैलिटी हमारे साथ में थे उस इंटरव्यू से हमने बहुत कुछ सीखा, उनकी बैकग्राउंड के बारे में सीखा, इनिशियल स्टेज पे क्या करना चाहिए वो हमें सीखा। लेकिन आज वो दोबारा हमारे मेहमान हैं। जो साथी पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनको हम लोग उनसे इंट्रोड्यूस करवाएं, उससे पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। गरीब वो है जो हमेशा गरीबी के बारे में सोचता है और अमीर वो है जो हमेशा अमीरी के बारे में सोचता है। और जैसा आपने देखा, ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक बार फिर स्वागत करने जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम, सिंपल सिटी के मालिक, इंडियाज यंगेस्ट मिलेनियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, श्री रजत कुमार कर। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। और मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आपने बुलाया और मेरा ये सौभाग्य है कि आपके साथ में बैठ के मैं बात कर रहा हूँ। और रियली आप इंडस्ट्री के लिए ग्रेट काम कर रहे हैं कि केवल ये यूट्यूब चैनल नहीं है, इसके माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टॉप अचीवर हैं सबको एक साथ कर रहे हैं और सबकी जो नॉलेज है वो सबके पास में पहुंचा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस नेक काम के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए, ये जो अचीवमेंट है ये मेरी अचीवमेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट हमारे व्यूवर्स को देता हूँ और दूसरा क्रेडिट मैं आप जैसे लीडर्स को देता हूँ। थैंक यू। मुझे मालूम है आपकी कितनी व्यस्तताएं हैं, आप अपनी कंपनी में टॉप अचीवर हैं, उसके बावजूद आपने समय निकाला, आप उड़ीसा से स्पेशली आए इंटरव्यू के लिए, आज हम स्टूडियो में बैठे हैं। तो सर, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और मेरा ये मानना है कि ये हमें मौका मिला है इंडस्ट्री को सर्व करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इंडस्ट्री की सेवा की आज यहाँ पे आके, क्योंकि आज आपका यहाँ पे आने का कोई पर्सनल मोटो नहीं है, मतलब टीम बिल्डिंग नहीं है, कोई चेक का साइज आपका बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री बढ़ेगी उसके लिए आप आए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पिछला जो एपिसोड था उसमें हमने रजत जी से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की, आपकी बैकग्राउंड हमने जानी सर, और इनिशियल स्टेज में एक डायरेक्ट सेलर को कैसे काम करना चाहिए उसके बारे में हमने जाना। हम उससे आगे बढ़ते हैं जहां हमने लास्ट बातचीत को ख़त्म किया था। सर, एक डायरेक्ट सेलर जब बिजनेस में आता है, ज्वाइन करता है नया, तो वो नया है, उसको कल्चर मालूम नहीं होता, उस समय उसकी जो अपलाइन है, अपलाइन का नए डायरेक्ट सेलर के साथ में कैसा रिश्ता, कैसा संबंध होना चाहिए? देखिए, ऑफलाइन जो व्यक्ति जिसको ज्वाइन करा रहा है ना, वो और उसकी जो ऑफलाइन है, ये दोनों मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन है इनका। ओके। मदर जैसे चाइल्ड को केयर करते हैं, मदर का जो केयर रहता है चाइल्ड के प्रति, सेम एक ऑफलाइन को उनके जो नया ज्वाइनिंग है उनके साथ में होनी चाहिए। मतलब जैसे मदर न्यू बॉर्न बेबी का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, उससे दूर नहीं जाती है, तो वैसा ही ध्यान हम एक नए डायरेक्ट सेलर का रखेंगे और डायरेक्ट सेलर वो बच्चे जैसा हरकत करेगा। अच्छा। उसको भी मानना पड़ेगा, जैसे बच्चे जरोएंगे ज्यादा, कभी कभी नया लोग आते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर रहता है, तो बच्चे जैसा जैसा करते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं। ओके। क्योंकि चल नहीं पाते हैं वो स्टार्टिंग से, तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, वो भी होगा, तो उसको भी हमको सहन करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बोलूंगा, वो चाइल्ड के लिए ड्रीम भी ऑफलाइन को ही देना पड़ेगा। जैसे कि वो बच्चे को माँ लेके ना बोलता है, मेरा ना बड़ा होके ये राजा बनेगा, ये रानी बनेगा, ये मतलब प्राइम मिनिस्टर होगा, ये
ऐसा 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 सपने कौन सजा रहा है अभी उसका मदर, तो ऑफलाइन को भी उसके लिए सपने जगाने की आवश्यकता है, सपने देखने की। ये बेटा ना, इनको तो मैं 10 लाख इनकम दे के रहूंगा, इनको तो 20 लाख इनकम में पहुंचा के रहूंगा, इनका तो गाड़ी खरीदा के ही रहूंगा, ये वो ऑफलाइन की सोच होनी चाहिए। अगर सोच होगा तो उनके साथ में बॉन्डिंग अच्छा होगी और फिर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो करना है वो करेंगे। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। नेटवर्क बन जाता है, लोग जुड़ते हैं। अब जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं उनको साथ में लेके चलना, मेरा अनुभव तो ये है कि आसान नहीं होता। तो क्या आसान है, और अगर आसान है तो कैसे आसान है, क्या करें कि सब लोग साथ में चलें आपके साथ में? देखिए, आपकी बातों में मैं एकदम सम्मत हूँ कि आसान नहीं है सर, लेकिन इसको बड़े लेवल पे किया जा सकता है, मेरा मानना यही है। राइट। उसके लिए मेरे को ये सोच है कि लोग आपको तभी मानेंगे जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। राइट। एक्स्ट्रा कुछ देंगे, एक्स्ट्रा कुछ होगा, इसमें वो व्यक्ति की बहुत ज्यादा वैल्यू है कि जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे टीम मेरे साथ रहें। ये खुद के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ओके। खुद को एज ए पर्सन उनको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं बेस्ट हूं। ओके। मेरे पास में बहुत पैसा है, मेरे पास में मर्सिडीज है, मेरे पास में बंगले है, वो प्रभाव नहीं, कि मैं एक अच्छे व्यक्ति हूं। ओके। अगर वो खुद को एक व्यक्ति के रूप में उसके कोर टीम में प्रमाणित कर देता है कि मैं बेस्ट हूं, तो उनके साथ में लोग ऑटोमेटिकली जुड़ के जो है रहेंगे। अगर वो खुद के ऊपर काम नहीं कर रहा है, खुद पे ग्रोथ नहीं है, तो फिर ये उनके लिए टॉप हो जाएगा, लोग उनके साथ में नहीं रहेंगे। उनका जैसे बोलना और कथनी और करनी डिफर हो रहा है, तो लोग नहीं रहेंगे। उनको उन लोगों को दिखना चाहिए, लोगों के प्रति उनका भेदभाव है कि इनके पास भी सोच रहा है दूसरा, तीसरे बारे में सोच रहा है तीसरा, उसको हेल्प कर रहा है ज्यादा, इनको हेल्प कर रहा है, तो लोग उनके साथ में नहीं रहेंगे। तो खुद को बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जैसे कि रामचंद्र भगवान और रावण की जो बात आता है, तो रावण जी जब हारे उस समय पूछा गया, रावण जी ने पूछे राम जी को कि मेरे पास में सब कुछ होते हुए भी मैंने हारा क्यों, तो उस समय राम जी ने जवाब दिए कि एक ही जवाब है कि मैं चरित्रवान अब चरित्रहीन। यानी कि चरित्र के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन कुछ लोग मुझे ये पूछते हैं कि नहीं सर, वो विभीषण जो है ना, विभीषण आ गया ना राम के पास तभी हुआ। लेकिन यहां पे एक प्रश्न आ रहा है, ये हो रहा है कि रावण को विभीषण जितना प्यार और सम्मान करते थे, लक्ष्मण राम को उतना ही प्यार और सम्मान करते थे, तो रावण के पास में लक्ष्मण क्यों नहीं, राम के पास में विभीषण क्यों? उसका एक ही जवाब है, चरित्रवान व्यक्ति जो होते हैं वो सब लोगों को खुद के तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो अगर हमको बहुत अच्छा करना है तो हमको बहुत ज्यादा चरित्रवान व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। जब हम चरित्रवान व्यक्ति बनेंगे, लोग ऑटोमेटिक हमारा तरफ खींचते हुए आएंगे और सारे लोगों को लेके जाने की जो आप चाहते हैं, जिन एक डायरेक्टर का जो इच्छा रहता है, जो अच्छे डायरेक्टर होते हैं, तो वो हो पाएगा। इसलिए खुद पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, मेरा ये मानना है। चरित्रवान की जब हम बातचीत करते हैं सर, एक डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति जो बड़ा अचीवमेंट लेगा आने वाले समय में, तो उसके चरित्र में आप क्या क्या गुण मानते हैं कि भाई ये उसके पास? कुछ चीज़ें आपने बोली जैसे वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और वो सबको साथ में लेके चलने वाला होना चाहिए, तो और इसमें क्या ऐड ऑन करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा, उसी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। एक आइडियल नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलर सर, मैं उसको ट्री को उनके सामने रखना चाहूंगा। एक ट्री, ओके। ट्री का क्या होता है? तीन पार्ट होता है स्पेशली। एक पार्ट होता है उसका रूट, जो अंदर जाता है, जो दिखता नहीं है, नहीं है। दूसरा पार्ट होता है उसका तना, जो बीच वाला पार्ट होता है। और थर्ड वाला जो होता है, उसके ऊपर का, जिसमें फल है, फल है, पत्ता है। तो नेटवर्क को उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। रूट एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग अगर रूट सही नहीं है, थोड़ा सा भी हवा आएगा ना गिर जाएगा वो, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा चैलेंज आएगा, थोड़ी सी बिजनेस अप डाउन होगा, निकल जाएगा। इसलिए उसका रूट एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए किताब पढ़े, कैसेट सुने, ट्रेनिंग ले, और अच्छा बने। मतलब रूट्स को हम माने कि भाई उसका एटीट्यूड, उसका कॉन्फिडेंस, उसका डिसिप्लिन, ये सारी चीजें, सारी चीज, ओके, पूरा उसका ऊपर वो काम करना पड़ेगा। एज ए पर्सन उसको अच्छा होना पड़ेगा, उसके लिए जो चाहिए वो करेगा। अगर उसके अंदर में अभी नहीं है, वो डेवलप करेगा। रूट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने जो पात्रता है
उसको बढ़ाने पे बड़ा, एकदम सही बोले आपने, सही वर्ड आपने यूज किया। सेकंड होता है कि उसका तना, राइट, जैसे कि तना मतलब जो बीच वाला होता है, मैं उसको बोलता हूँ उसको कभी तना के रूप में मत देखो, उसको रिमोट कंट्रोल के रूप में देखो। अच्छा, रिमोट कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति टीवी की चैनल चेंज कर लेता है, कि आपने चाहे तो जी न्यूज लगा दे, आपने चाहे और कुछ लगा दे, आप चाहे कॉमेडी लगा दे, आप चाहे और कुछ चैनल लगा दे, तो ऐसे लोगों की रिमोट कंट्रोल यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर की रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में होनी चाहिए। ओके, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के हाथ में वो रिमोट कंट्रोल घूमता है, लोग मना कर दिया ये डाउन, अच्छा लोग नो कर दिया ये डाउन, लोगों ने बोला यस करेंगे ये उत्साहित, बिजनेस ऑफ हो गया बहुत बढ़िया, डाउन हो गया बस सब खत्म हो गया, जैसे और लाइफ में और कुछ है ही नहीं। तो ये लोगों की बातों से, लोगों की नेगेटिविटी से ये अप डाउन होना नहीं चाहिए। यहीं पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, उसको सपने देखना चाहिए मालिक जैसा, अच्छा मालिक जैसा यानी कि बड़ा सोचे, लेकिन काम करने चाहिए मशीन जैसा। अच्छा, मशीन क्या, मशीन क्या ना, मशीन को कमांड दिया जाता है, मशीन को कमांड दिया, जैसे को प्रिंटर है, हाँ। प्रिंटर को कमांड दिया गया दो पीस निकालो, उसमें इंक है नहीं है उससे कोई उसका फर्क नहीं है, बोला नहीं मेरे को तो इंक नहीं है मैं निकालूंगा नहीं, नो यानी कि जो कमांड दिया गया वही किया। डायरेक्ट सेलिंग सेम नेचर का होना चाहिए, कमांड दे दिया मुझे तो दो प्लान दिखाना है बस दिखाना है, लोग मना करें तब भी खुश, हाँ करें तब भी खुश, समान चेंज नहीं आ रहा है, बिजनेस ऑफ हुआ ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, सेम जगह पे वो चल रहा है एकदम, बिल्कुल उसका रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में है, बिल्कुल उसको वो किसी को दिया नहीं है, उसकी स्थिति परिस्थिति वो खुद के कंट्रोल में रखा है एकदम सेम, बहुत ज्यादा उत्साहित भी नहीं है, बहुत ज्यादा निराश भी नहीं है, एक बीच की एक लाइन खींच रहा है और उनको लग रहा है यही मेरा काम है, मैं दो प्लान दिखाऊंगा या 200-500 हजार का प्रोडक्ट मैं सेल करूंगा, एक घंटा में सीडी सुनूंगा, 20 पेज में किताब पढ़ूंगा, एक फिक्स टारगेट बना के उसमें चले, ऊपर जाए बिजनेस, नीचे आए नो करें यस करें कोई फर्क नहीं है, सेम रहना चाहिए, ये डायरेक्ट सेलिंग का। थर्ड है फल, जहां पे ऊपर का फल आता है, फल के मतलब ये है कि एक डायरेक्ट सेलिंग का हमेशा सोच रहना चाहिए देना। अच्छा, वो हमेशा उनके मन में, जब किसी व्यक्ति से मिल रहा है, जब हम किससे मिल रहे हैं, एक मन में आ रहा है, क्या मन में आ रहा है कि ये बहुत स्मार्ट है, बहुत सारे लोगों के मन में आता है ये स्मार्ट है, ये आएगा और मेरे बिजनेस को बढ़ा देगा, ये गलत सोच है। Okay. उसके मन में क्या आना चाहते हैं, क्या स्मार्ट व्यक्ति है, अच्छा भगवान करे इसको ये डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ जाए और ये भविष्य में जाके 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया कमाए। किसी डाउनलाइन को देख के सोच रहा है इसको तो मैं 10 लाख रुपया कमा के ही रहूंगा, दिखाऊंगा इनका 10 लाख में करा के पहुंचूंगा, इसको तो मर्सिडीज खरीदा के रहूंगा, इसका तो घर कराऊंगा, यानी कि देने की भाव। okay. हमेशा अगर उनका देने की भाव है कि मैं दूंगा और दूंगा और दूंगा और दूंगा और दूंगा, लोगों को ग्रोथ कराऊंगा, लोगों को आगे लेके जाऊंगा, लोगों के सपने पूरा करूंगा, लोगों को देश विदेश की सैर कराऊंगा, तब ये एटीट्यूड सही है। तो ये तीन चीज उनके पास में होनी चाहिए, रूट विचलित नहीं होना है, सेम जगह पे रहना है, मशीन जैसा काम करते चलना है और देने की भाव उनके अंदर में होना चाहिए। अगर ये है तो एक डायरेक्ट सेलर सही माना जाएगा, मेरा मानना यही है। मेरा भी अपना अनुभव ये है सर कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं जी, तो और अच्छे इंसान की पहली जो पड़ताल है वो आपके घर से होती है जी। अगर आप एक अच्छे पिता हैं, पुत्र हैं, अच्छे पति या पत्नी हैं, अच्छे फादर हैं या अच्छी मदर हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप अच्छे डायरेक्ट सेलर और अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और अगर आप घर की एक छोटी यूनिट को नहीं चला पा रहे हैं जी, वो चार लोग ही आपसे सहमत नहीं जी, है जी, जी। वही आपके साथ नहीं चलना चाह रहे जी, हैं जी, जी। तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में जो लोगों का बिजनेस है उसमें आके लोगों को लीड करेंगे। तो खुद उसमें खुद को चेक करने की जरूरत है, वो चार लोग गलत नहीं है, हो सकता है मेरे अंदर में कोई कमी रहेगी, उसको ढूंढने की जरूरत है। दैट्स गुड, वंडरफुल, मुझे ऐसा लगता है। वंडरफुल सर, बहुत बहुत खूब सर। सर आप ने पिछले एपिसोड में हमें बताया कि आप की जो कंपनी है वो 2000 में स्टार्ट हुई और कंपनी में ज्वाइन स्टार्ट होने के 10 साल के बाद में आपने कंपनी को ज्वाइन किया। बिल्कुल, और बिल्कुल। आप कंपनी के आज टॉप अचीवर बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। हर व्यक्ति का ये ड्रीम होता है कि वो अपनी कंपनी का टॉप अचीवर बने, सबसे ऊंचे लेवल पर जाए जी, जी, जी। और हमारे जितने व्यूवर्स हैं तो वो भी इस चैनल पर इसलिए आते हैं कि सारे टॉप अचीवर यहीं पर एक प्लेटफॉर्म पर उनको मिल जाते हैं जी, जी। तो एक डायरेक्ट सेलर अगर टॉप में जाना चाहता है क्या करे? देखिए, डायरेक्ट सेलर को टॉप पे जाने के लिए मेरा, मैं जो किया हूं मैं सर बता रहा हूं, मैंने क्या किया, हो सकता है अलग अलग व्यू रहे प्लीज। मैंने बड़ा सपने देखा,
अच्छा, मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है, मैंने बहुत बड़ा मतलब मैं सैटिस्फाइड नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस का डेफिनेशन है एक निर्दिष्ट गोल बना के वहां पे पहुंचना, वहां पहुंचने के बाद में फिर एक गोल बना के वहां पे पहुंचना, फिर गोल बना के वहां पहुंचना, लगातार ये प्रोसेस का नाम सक्सेस है। तो सैटिस्फाइड नहीं होता हूं मैं, यार मेरे पास में तो अभी 20 लाख की चेक बन गई तो मेरे ठीक है, कोई बात नहीं, तो आगे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो चलेंगे। नहीं, मैं सैटिस्फाइड नहीं हूं, मैं पागल हूं। सपने बड़ा होना चाहिए, और मेरा जो है बड़ा सपने होनी चाहिए, पहला बात है। दूसरा, अगर तो से टेक्निकल बात पे मैं आऊं, मैं क्या क्या मैंने किया जी, मैंने इस बिजनेस में एजुकेशन को हमेशा ध्यान दिया। अच्छा, लोगों को एजुकेट करने में ये एक मेरा बड़ा रोल रहा, नहीं तो लोगों को संभालना मुश्किल है। हर व्यक्ति अलग अलग मानसिकता लेके आता है, तो यहाँ पे संभालना मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति को कोई नहीं मानता है, सिस्टम को मानता है। तो एजुकेशन सिस्टम प्रमोट होना चाहिए, तो होता है तो लोग क्या होते हैं, रहते हैं साथ में जो है रहते हैं। ये एक दूसरी चीज रहा। जॉइनिंग को हमेशा मैंने प्रमोट किया। अच्छा, हमेशा मैंने जॉइनिंग के ऊपर ध्यान दिया। नेटवर्क बिल्डिंग, नेटवर्क बिल्डिंग, न्यू जॉइनिंग, ओके, नया 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 नया, कितने ज्यादा लोग आ रहे हैं उसके ऊपर मैंने ज्यादा काम किया, ज्यादा काम किया। स्टेशन बिल्डिंग पे भी मैंने ध्यान दिया। अच्छा अच्छा, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जगह पे मेरा बिजनेस जो है फैल पाए। मतलब एक स्टेशन स्टार्ट किया, उसको बिल्ड किया, फिर दूसरे स्टेशन, फिर दूसरा स्टेशन, फिर तीसरे स्टेशन, चौथे स्टेशन, मैं बिल्ड किया या मेरी टीम से बिल्ड किया, हमेशा मैंने उनके माइंड में डाला कि एक में नहीं रुकना है, फैलाना है पूरा ऑल ओवर इंडिया, और विश्व लेवल पे अभी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वहां पे भी फैला पूरा, इसको जितनी ज्यादा फैलाया जाएगा उसका ज्यादा होगा काम होगा। वंडरफुल। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, कंटिन्यू रखिएगा बातचीत को। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती, बिल्कुल। तो पर अगर आपका सारा का सारा बिजनेस पर्टिकुलर एक एरिया में है, बिल्कुल, तो उस एरिया में कोई नेगेटिविटी आ गई जी, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जी जी, तो आपका पूरा बिजनेस जो है कोलैप्स हो जाएगा जी 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 जी। लेकिन आपका बिजनेस जो है अगर अलग अलग एरिया में, अलग अलग रीजन में है जी जी, तो एक जगह कोई प्रॉब्लम आ गई, एक जगह कोई इश्यू आ गया जी जी, तो दूसरी जगह आपके पास में ऑप्शन है कि आप वहां पे जाके मेहनत कर लें जी जी जी। तो ये हमेशा अच्छा रहता है कि आप अलग अलग रीजन में आप बिजनेस हो, काम हो, कम है ज्यादा वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास में काम करने के ऑप्शन रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इस बात को कवर किया सर जी, थैंक यू। आगे और क्या किया सर आप? और मैंने इंडिपेंडेंट होके लीडर को काम करने की क्षमता दिलाया, मतलब दिलाया मतलब उनको इंडिपेंडेंट करने के प्रयास किया कि वो इंडिपेंडेंट करें ज्यादा ज्यादा अपने लेवल पे, अपने लेवल पे उनको सिखाया जाए, उनको हेल्प किया जाए, कितने जल्दी वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ओके, मेरे पे डिपेंड ना करे। वो प्लान भी दिखाना उसको आना चाहिए, प्रोडक्ट में वो मास्टरी होनी चाहिए, और मैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में स्पेशली यहीं पे बोलना चाहूंगा, प्रोडक्ट की मास्टरी होनी चाहिए। केवल बहुत सारे लोग प्लान दिखाते हैं, ठीक है, प्लान एक जरूरी चीज है, प्लान में प्रोडक्ट भी आता है, लेकिन प्रोडक्ट पे थोड़ी सी स्पेशल फोकस होनी। हाँ भी, हमारा प्रोडक्ट बेटर क्यों है, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट है उसकी जानकारी होनी, उसके यूएसपी क्या क्या है, यूएसपी क्या है। तो मतलब जो लीडर जो है वो इंडिपेंडेंट काम करें, खुद प्लान दिखाएं, खुद मतलब प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगा सके, जितने इंडिपेंडेंट हम करेंगे उतनी ज्यादा बिजनेस ग्रोथ होगा, जो मैंने कराया। मतलब इसको हम यूं समझे सर कि अगर मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ, हाँ, तो मेरे लिए संदेश ये है कि मैं इंडिपेंडेंट होकर काम करूँ, मैं ये सोचूं मैं किसी के भरोसे नहीं रहूँ। बिल्कुल भाई, मेरी अपलाइन में बहुत सारे लोग हैं, हाँ, लेकिन मैं ये सोचूं कि मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूँ, वो उस एटीट्यूड से मैं काम करूँ। हाँ, और अगर मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ, एक लीडर के रूप में आ गया हूँ, मेरी टीम बन गई है जी, तो अब मेरा लक्ष्य ये हो कि मैंने अपने जैसे लोगों को तैयार करना है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, उनको उड़ना सिखाना है, बिल्कुल उनको घोंसले में नहीं रखना, अपनी बगल में बैठा के नहीं रखना हमें, बिल्कुल बिल्कुल। और इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब आप इंडिपेंडेंट होंगे, ओके, क्योंकि डुप्लीकेशन की बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया। जब एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है ना, तो लोग उसको फॉलो करना चालू करते हैं और जल्दी जल्दी इंडिपेंडेंट होते हैं, जो मेरे बिजनेस है खास, मेरी ऑफलाइन जो है वो दूर में रहे, मुझे वो बहुत ज्यादा आके हेल्प नहीं कर पाए, और मुझे लग रहा था शुरू शुरू में तो लग रहा था पता नहीं मेरे अपलाइन भी हेल्प करना चाहिए, लेकिन वही चीज ही मेरा बिजनेस को बढ़ाने के लिए बड़ा रोल पैदा किया, क्योंकि जो मुझे इंडिपेंडेंट काम करते हुए लोग देखे तो वो भी इंडिपेंडेंट होकर काम करना चालू किए, तूफान मच गया पूरा बिजनेस का। बहुत बढ़िया सर, मैं रिलेट करना चाहूंगा आपकी बात से जी। देखिये, कई बार परिस्थितियां जब आती है ना हमारे सामने जी जी, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो समटाइम हम टूट जाते हैं, हमें लगता है यार ये तो बड़ी आफत आ गई मेरे ऊपर, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए होती है। जब सर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया जी, तो मुझे कोई ज़्यादा बात करना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, तो और वो लंबे समय तक इसलिए भी नहीं आ पाया क्योंकि जो मेरे स्पॉन्सर थे वो बहुत अच्छे स्पीकर थे, बहुत अच्छा, अच्छी बात करते थे, अच्छा। से तो मैं एक काम करता था, मेरे पास बजाज चेतक स्कूटर होता था, तो मैं स्कूटर पे लोगों को बैठा था,
मीटिंग में छोड़ता और जो मेरे प्लाइन थे वो बहुत अच्छा भाषण देते थे तो लोग ज्वाइन हो जाते थे। जी जी जी। हुआ ये कि कुछ महीनों के बाद में जो मेरे प्लाइन थे उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया। अच्छा। तो बिजनेस छोड़ दिया तो परेशानी हुई मुझे, लेकिन मुझे लगा कि यार इसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी होगी। बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटी मुझे ये लगी कि यार एक तो मैं अभी थोड़ा सा ना सीनियर बन गया हूँ, सीनियर इसलिए बन गया हूँ कि भाई वो छोड़ के चले गए तो एक जगह खाली हो गई ऊपर वाली। तो पहले मेरे शहर के वो पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे, अब अच्छा। मैं अपने शहर का पहला डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, बन गया, सीनियर हो गए, सीनियर बन गया घर पे बैठे बैठे। तो इस पॉइंट से मैंने अपने आप को पॉजिटिव किया और अब चूंकि कोई बोलने वाला नहीं था तो मैंने ही प्रोग्राम को शुरू करवाना था, कोई बाहर से गेस्ट आया है तो धीरे धीरे मैं बोलना सीख गया। जी जी। तो उसके कुछ समय के बाद क्या हुआ कि हमारे स्टेट के जो सबसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर थे वो छोड़ के चले गए। अच्छा। फिर नेशनल लेवल के लीडर छोड़ के चले गए। अच्छा। तो हर जगह मैंने ये माना कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जी जी। और उस अपॉर्चुनिटी को मैं यूँ कहूँ कि मैंने कैश किया और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता चला गया। और वही कहानी कुछ आपकी रही कि अप्लाई दूर थे तो फिर सारा काम खुद ही करना पड़ता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हमारे व्यूवर्स के लिए भी ये संदेश है कि अगर आपके सामने ऐसी परिस्थितियां हैं, अप्लाई जो आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या मान लेते हैं कि अप्लाई के साथ आपकी उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी माने और इंडिपेंडेंट होके बिल्कुल हम लोग बिजनेस को कर सकते हैं। वंडरफुल सर। बिल्कुल। और क्या किया सर आपने? तो इंडिपेंडेंट करने के लिए जो काम है वो ज्यादा से ज्यादा काम मैंने किया, उसी में सारे आता है। और एजुकेशन सिस्टम को तो मैंने प्रमोट किया ही किया। राइट। मेनली मैंने, अगर मैं थोड़ा सा और आप डेप्थ में जाके पूछना चाहेंगे सर, मैंने एक शॉर्ट चेकलिस्ट भी हाँ इस बिजनेस में, पिछली बार हमने चेकलिस्ट की बात की थी लास्ट इंटरव्यू में, हाँ उसमें अगर उसको शॉर्ट हम माने, क्योंकि उसमें कई सारे पॉइंट्स आपने बताए थे, उसमें जहाँ तक मुझे याद है बेसिक्स था, कोर था, कार्डिनल था, थ्री पावर्स थी, तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी। जी जी। तो उसको शॉर्ट में भी हम लोग चेक कर सकते हैं? शॉर्ट में होना चाहिए चेक एक्चुअली। जी। शॉर्ट में ये तीन चीज हमेशा एक व्यक्ति के सामने होनी चाहिए। ओके। पहला, लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके। गेट देम। सेकेंड, कीप देम। एंड थर्ड, ग्रो देम। अच्छा। अगर हम तीन चीज पे फोकस करते हैं स्पेशली कि लोगों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। राइट। लोग आ रहे हैं तो एजुकेशन के माध्यम से बंद रहे कि नहीं बंद रहे, रिलेशन के माध्यम से बंद रहे कि नहीं बंद रहे, और वो ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अगर तीनों चीज पे हम रेगुलर फोकस करेंगे तो हमारा बिजनेस जो है बहुत बड़ा हो सकता है। कभी कभी ये तीनों चीज से कोई चीज ब्रेक हो जाता है। ओके। कभी लोग आना कम हो जाते हैं या कभी फिर आ रहे हैं तो वो रखने वाली व्यवस्था हमारा नहीं बनता है। या कभी वो आ गए, चार साल हो गया वो स्ट्रगल कर रहे हैं, चार साल हो गया वो स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो ये चीज के ऊपर भी हमको रेगुलर फोकस करने की आवश्यकता है। अगर फोकस करेंगे तो मतलब नेटवर्क बनाए, नेटवर्क में लोगों को स्टे कर रहे हैं लोग, उसकी उसको श्योर करना है, और उसके बाद में फिर उनकी ग्रोथ भी होनी चाहिए समय के साथ साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। ये तीनों चीजें हमने चेक करते रहे। जी जी, चेक करते रहे, हमेशा ये होनी चाहिए। मतलब ये एक दिन का नहीं है। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू, आप किसी भी लेवल पे हैं, किसी भी लेवल पे, बड़े छोटे कोई नहीं, ज्वाइनिंग को चेक करें, न्यू जो एंट्री है उसको चेक करें कि कम तो नहीं हो गया। अगर कम हो गया तो तुरंत काम करें उसके ऊपर। राइट। क्योंकि जैसे अभी दुनिया चल रहा है, कैसे यहाँ पे जन्म लिया जाता है और यहाँ पे फिर लोग धरती छोड़ के चले भी जाते हैं। लेकिन धरती क्यों चल रहा है अभी? क्योंकि जन्म होने वाला जो, मतलब जितने जन्म होते हैं और जितने लोग इस धरती से जाते हैं तो उनकी संख्या कम है, जन्म होने की संख्या ज्यादा है। ठीक है। अगर हम उसको उल्टा कर दें तो ना ही रहे, धरती रहे ही नहीं। सही है। तो ये बिजनेस नेटवर्क भी सेम है। यहाँ पे लोग, कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। राइट। लेकिन जितने लोग जा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अगर एंट्री कर रहे हो तो आपका बिजनेस तूफानी से ग्रोथ करेगा। अगर नहीं एंट्री करा पा रहे हैं तब नहीं करेगा। यहाँ पे सर एक चैलेंज आता है कि एक व्यक्ति जुड़ता है, अपनी लिस्ट बनाता है, अपने जानकार लोगों के नाम लिखता है, और चाहे उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तरीका नहीं है सही अपॉइंटमेंट लेने का, बात करने का, तो उसकी लिस्ट बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है और फिर उसको लगता है कि यार अब मैं लोग कहाँ से लेके आऊँ। तो नई लिस्ट कैसे डेवलप की जाए? देखिए, नया लिस्ट के लिए मेरा जो सलाह होता है लोगों को, मैं सलाह देता हूँ हर दिन एक व्यक्ति को, अगर वो बड़ा करना चाहता है, मिनिमम 10 विजिटिंग कार्ड बांटनी चाहिए। अच्छा। मिनिमम किसी के पास में कोई भी है, उनको बोले कि सर मैं रजत हूँ और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे पास में है, जिसमें उसके अनुसार आप बोल सकते हैं कि मेरे लाख रुपया इनकम का एक प्रोजेक्ट मेरे पास में है, तो मैं उसको प्रमोट करता हूँ, ये सर मेरा विजिटिंग कार्ड रहा, सर मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आपके सामने में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको लाख रुपया इनकम करना है, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, प्लीज ये विजिटिंग कार्ड उनको पास कर देना। अच्छा।
अगर हम लोग 10 लोगों को ऐसे करके देते हैं तो उसमें 2-3 लोग पूछ लेते हैं क्या है, कैसा है, हम भी कर सकते हैं क्या, उसमें भी हमारा लिस्ट जो है वो बढ़ सकती है। मतलब कार्ड हमारे पास है, हम कहीं भी जा रहे हैं, बस में है, ट्रेन में है, किसी शादी समारोह में है जी, तो लोगों के संपर्क में कार्ड दे दें, टारगेट होना चाहिए हमेशा 300 कार्ड पर मंथ मिनिमम। अच्छा, मिनिमम आप डायरेक्ट सेलर का बजट बढ़वाएंगे? हाँ, नहीं, कार्ड की 1 रुपया खर्चा होता है 300 रुपया। अच्छा, 300 रुपीज की खर्चा है और उसमें बहुत फायदा होगा। एक बार लोग अगर ट्राई करके देखेंगे, मतलब कोई भी मिले दे दो, क्योंकि देखिए वो काल आपके साथ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, लेकिन ट्राई तो किया जा सकता है ना, तो ट्राई कर लें। हमारे मेहमान थे सर राजेश टैगोर जी, बम्बई से जी, तो उन्होंने बहुत अच्छा बात किया, उन्होंने बोला कि भाई अपनी लिस्ट बनाओ और उसको भूल जाओ जी, तो आपके जो लोग हैं वो ज्यादा काम नहीं करेंगे, जो स्ट्रेंजर्स हैं वो ज्यादा काम बिल्कुल सही करने वाले हैं। That's great. तो उसमें भी लिस्ट आएगी, उसमें बाद में जो लोग जिनको प्लान दिखा रहे हैं उसमें अगर मना कर रहे हैं तो उससे भी लिस्ट निकालने की, ये लिस्ट निकालने की मतलब माइंडसेट होनी चाहिए कि यही मेरा रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल को कभी मैं खत्म होने दूंगा नहीं। वंडरफुल, तो ये मानसिकता बननी रही बनेगा तो ऑटोमेटिक लोग आएंगे। और रॉ मटेरियल अगर आपके पास में नहीं है तो फिर आपकी मशीनें, आपके इंजीनियर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किसी काम का नहीं, काम का नहीं है। वंडरफुल सर। सर हमारे व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके फैन हैं, उन्होंने स्पेशली कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं आपकी इजाजत हो तो मैं शामिल करूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बोल पूछिए सर। सर डॉक्टर दुर्गानंद जी का प्रश्न है, अगर कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो फुल टाइम करें या पार्ट टाइम? और फिर वो पूछ रहे हैं क्या पार्ट टाइम करके टीम के साथ सभी लोगों को हेल्प करना संभव है? सर देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है उनका कि पहले तो वो पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, ये पूछ रहे हैं सर। तो ये पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, ये उनकी जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है उन्हीं के साथ से उनको सलाह लेना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा सर, क्योंकि उनकी कैपेसिटी क्या है, वो क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, उनका बिजनेस की अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, वो सही ढंग से बता पाएंगे। ये बहुत अच्छे से एड्रेस किया सर, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि फुल टाइम करें पार्ट टाइम करें, तो जैसा आप कह रहे हैं उसका बेस्ट जो उत्तर है वो उसके जो इमीडिएट अपलाइन है उनके पास में है। बिल्कुल, क्योंकि वो उनको चेक कर रहा है कि क्या है। मान के चले हम लोग बहुत सारे लोगों को फुल टाइम लाते हैं, भी मेरे साथ में भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग फुल टाइम आए हैं, मैंने उनको फुल टाइम लाया अभी, वो एकदम कमिटेड होकर आए हैं कि करेंगे, हम फुल टाइम करेंगे। वो मतलब जो इन्वेस्टमेंट उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो जो भी खर्चा होता है वो मेंटली प्रिपेयर होकर आए हैं कि मुझे नहीं भी आएगा तब भी मैं ये खर्चा करूंगा और 2 साल में रुकूंगा, तो उस प्रकार की कमिटमेंट हुआ है, तो उसमें हम लोग लेके आए हैं। इसमें सर कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ है ना जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बड़े थोड़े बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, तो वो क्या करते हैं कि अपलाइन में अगर 5 लोग हैं तो 5ों से पूछते हैं कि सर मैं पार्ट टाइम करूँ फुल टाइम करूँ, पार्ट टाइम फुल करूँ, तो उनमें से अगर कहीं ना कहीं 2 ने कुछ बोला 3 ने कुछ बोला तो वो बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए उसमें? पहले तो ये सोचें कि वो पूछ क्यों रहा है। अगर वो पूछ उसका उसका डिसीजन ले चुका है और वो पूछ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये पूछ रहा है कि बता रहा है। नहीं, मान लेते हैं पूछ रहा है, उसने डिसीजन नहीं लिया है, 5 अप्लाइन से पूछ रहा है कि क्या छोड़ूं या करूं, पार्ट टाइम करूं, फुल टाइम करूं, और सम टाइम उसको अलग अलग उत्तर मिलता है, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। जी जी जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या उसको 5 लोगों से ही बात करनी चाहिए अप्लाइन में, या एक व्यक्ति को चुनकर उसी से सलाह लेनी चाहिए? देखिए, हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक अप्लाइन को चुनना चाहिए, केवल उनके लिए नहीं, एक अपलाइन को चुनना चाहिए, उसके बाद में सारे लोगों को मान सम्मान प्यार देना चाहिए। लेकिन उनके जीवन में अगर एक व्यक्ति अभी तक नहीं है, उसका पहला काम है वो एक व्यक्ति को ढूंढे। अच्छा, ये फर्स्ट काम है उसका, अभी तक वो सही सिस्टम में आया ही नहीं है। अगर 10 लोगों को पूछेंगे 10 का सलाह अलग अलग होगा, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके जीवन में एक व्यक्ति अभी आनी ही चाहिए, आनी चाहिए, और अपने बिजनेस से संबंधित जो भी उसके निर्णय है वो उसी व्यक्ति के पास में जाए उसके पास में जाए। That's great. ये बहुत जरूरी वाली चीज़ है आपने पूछा, और वंडरफुल सर। सो मुझे लग रहा है डॉक्टर दुर्गानंद जी को ये उत्तर मिल गया होगा। तो इनका दूसरा क्वेश्चन भी इसी में शामिल था सर, क्या पार्ट टाइम करके टीम के सभी लोगों की हेल्प हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, पार्ट टाइम बहुत सारे लोग करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम मरों का बिजनेस माना जाता है देखा जाए तो। ओके, अगर उनके टीम में देखो डायरेक्ट सेलिंग को बोला जाता है स्पॉन्सर एर वीकनेस। स्पॉन्सर वीकनेस मतलब क्या है कि मैं पार्ट टाइमर हूं, अगर मैं फुल टाइमर
लोग पैदा कर पा रहा हूँ तो मेरा काम तो हो ही गया। वंडरफुल वंडरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मान के चले, और दूसरी जगह मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, एग्जाम्पल मान के चले, तो अगर मैं इंग्लिश जानने वाले लोगों को मैं कराया तो मेरा काम हो गया। तो अगर उनके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग ले आ पाएंगे फुल टाइमर, तो उनका काम तो हो ही गया। और दूसरा बात है, ये डुप्लीकेशन की बिजनेस है, तो आप जितने ज्यादा डुप्लीकेट करने के ऊपर ध्यान देंगे टीम में उतना बढ़िया होगा। इंडिपेंडेंट जितने होंगे, और मैं तो बोलूंगा पार्ट टाइमर अच्छा है, क्योंकि पार्ट टाइमर अच्छा है वो कम समय देगा, तो उनका टीम डेवलप होना सुनिश्चित होगा। फुल टाइमर कभी कभी इतनी ज्यादा टाइम उनको दे देते हैं, बंदा को लगता है कि यार जब मेरे पास में ऑफलाइन है तो मैं सीखूं क्यों, मैं जानूं क्यों, मैं इंडिपेंडेंट करूं क्यों। दैट्स ग्रेट। लेकिन फुल टाइमर कोई गलत नहीं है, लेकिन फुल टाइम करने वाला अगर बने कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी लोग फुल टाइमर नाम में पार्ट टाइम की भी पार्ट टाइम काम करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। दैट्स ग्रेट। और मैं इसमें कंक्लूड करना चाहूंगा कि पार्ट टाइमर सक्सेस हो सकता है। दैट्स ग्रेट। प्रेमचंद कुशवाहा जी का प्रश्न है, वो तीन चीज बताएं जिससे एक आदमी कभी हिम्मत न हारे। देखिए, हर व्यक्ति की जो मोटिवेशन फैक्टर है वो अलग अलग है। राइट। वो मेरे लिए हो सकता है अलग है, उनके लिए अलग है, उनके लिए अलग है, उनके लिए अलग है। जैसे मेरे को लगता है अगर हमेशा मोटिवेट उसको रहना है, उसको फोकस करनी चाहिए उनके ड्रीम एंड गोल के ऊपर। ओके। जितना बड़ा उसका ड्रीम एंड गोल होगा उतना ज्यादा वो मोटिवेट होगा, और रेगुलरली उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके साथ साथ हमेशा वो मोटिवेशनल वीडियो, ऑडियो, मीटिंग, सेमिनार उनके साथ में अटैच रहे, उनको होनी चाहिए। और उनकी जो संगत है, उनके लाइन स्पॉन्सर जो अच्छे लोगों की संगत है, उसके साथ में उनको रहना चाहिए। अगर तीन में मैं बोलना चाहूंगा, ये तीन को मैं जरूर बोलूंगा। ऐसे तो बहुत सारे चीज है, अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू हो सकता है। That's great, sir. आलोक केशरी जी का प्रश्न है सर, लोगों को कैसे विश्वास दिलाएं कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई बिजनेस नहीं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग जैसा कैसा बिजनेस, मतलब ये बेस्ट बिजनेस ऐसा है नहीं। तो हमारा ये जो प्रश्न है, आप कितने भी कोशिश कर दें हर व्यक्ति को इसको महसूस नहीं करा सकते। पहले तो माइंडसेट कर ले। राइट। अगर हमारे पास में उसे कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेबलेट नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है कि खिलाएं, और हमारा जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि अभी बात होता है विजन के बारे में, मिशन के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात होता है, तो मैं इतना बता सकता हूं कि वर्तमान की जो समय है डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया के लिए, वो बहुत बेहतरीन टाइम है। ये लोगों को अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए, कुछ लोग भरोसा करेंगे, कुछ लोग भरोसा नहीं करेंगे, हमारा काम जो है बन जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली सब लोगों को भरोसा दिलाएं, इस प्रकार कुछ मेडिसिन नहीं है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अंतिम प्रश्न है, आर के ऋषिदेव जी का प्रश्न है, आप इतनी कम उम्र में सक्सेस कैसे हुए? और आपकी उम्र सर ऐसी लगती है कि जैसे अभी, मतलब आप बेस्ट बैचलर की श्रेणी में आपको रखा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। नहीं, आपने सही बोले हैं। ये इनकी प्रश्न में से आई है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपने इतने एज में क्या है। देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग में पागल लोग जो है वो कामयाब होते हैं। मैंने इस बिजनेस को पागल जैसा काम किया हूं। ओके। दीवानों जैसे काम किया हूं, मतलब रात दिन नहीं देखा हूं मैंने कि कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। अगर एक व्यक्ति के माइंड में ये डल जाएगा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, तो मैं इस बिजनेस में कामयाब होकर ही रहूंगा, जो बताया जाएगा मैं करूंगा, सब में कामयाब हो सकता है। तो मेरे पास में वही है, मेरा ऑफलाइन जैसे बोले जो बोले, मैंने इफ बट नॉट कुछ नहीं करके लगातार उनकी बातों को मान के ज्यादा से ज्यादा काम करते रहा। इसके कारण इसके फल आज अभी मेरे सामने है। अगर वो व्यक्ति उनकी ऑफलाइन की गाइडलाइन लेके ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो वो भी इस जगह पे आ सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस इंटरव्यू का एक पार्ट है सर, फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जी जी जी। तो आपकी लाइफ की कोई ऐसी घटना जो आज भी आपको याद आती है? है ऐसा एक ध्यान है। हाँ प्लीज। क्या हुआ, बीच में स्टार्टिंग के बाद है, थोड़ी देर के बाद हो गया था, ये फनी मोमेंट में ही मानूंगा। एक बार हम लोगों ने सारे बड़े बड़े लीडर ना एक जगह पे हम लोग मीटिंग करने के लिए पहुंचे। ओके। तो मीटिंग करने के लिए पहुंचे, मीटिंग थोड़ा सा दूर था, और मीटिंग में जो लोग हम लोग को रिसीव करने आए थे वो होटल में, हम लोग होटल में डायरेक्ट पहुंच गए, बाय कार हम लोग थे। पहुंचने के बाद में तो वहां पे जो लोग थे वो बोल रहे, सर आपके लिए फूल रखा गया है। अच्छा। तो आप जाते समय ले जाना। अच्छा, ओके, जाते समय ले जाना। हाँ, जाते समय जो है आप ले लेना, आपके लिए फूल
रखा है। हम सारे लीडर बड़े बड़े लीडर हैं, वो दिख रहे हैं कि भाई ये क्या बात है, फूल ले जाए मतलब नहीं, उस रूम में जो है वो रूम है, रूम में फूल है, आपने जाते समय ले लेना। तो हम फिर थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल फील किया और पूरे से आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो रिपीट करके बोल रहे हैं कि आप सर आपके लिए सर फूल लेके आए सर, सर प्लीज आप ले लीजिएगा। तो फिर हम लोग जाते हैं और एक एक फूल की जो है उस एक जगह पे है, एक एक उठाते हैं और फिर वो जो भावना वो जो था उस समय का, तो वो बड़ा फनी फील हो रहा था कि फूल ले जाए। तो ये मेरे लाइफ में एक मतलब फनी मोमेंट भी मानूंगा। दैट्स गुड, वंडरफुल सर। अब आप तैयार हो जाइए सर रैपिड फायर क्वेश्चंस के लिए। जी, पहला क्वेश्चन है योर फेवरेट स्पोर्ट, कौन सा खेल आप पसंद करते हैं? मेरा फेवरेट है क्रिकेट। मैं स्कूल लेवल पे कॉलेज समय में बहुत क्रिकेट खेला हूँ। अच्छा, तो फिर क्रिकेट को ही मानूंगा मैं। दैट्स ग्रेट सर। आपकी सबसे अच्छी और सबसे बुरी आदत? मेरा सबसे अच्छा आदत, मैं लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, वंडरफुल। मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे लगता है ये मेरी परिवार वाला है। मुझे ऐसा लगता है मैं जब स्ट्रेंथ ढूंढता हूँ तो ये मुझे मिलता है। और बुरी आदत, में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मतलब उनको प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आता है। कभी कभी मैं मुझे लगता है कि ये शायद बुरी आदत है, मतलब ज्यादा बढ़ जाता है इमोशन, ज्यादा बढ़ जाता है। वो क्या होता होगा, उनका घर कैसे होता होगा, उनका परिवार, मतलब ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग भी बोलते हैं। योर फेवरेट कोटेशन? मेरा फेवरेट कोटेशन है जो मेरा है, दिमाग को ये प्रशिक्षित करे कि कोई भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अच्छा, हमेशा प्रशिक्षित करे दिमाग को, कोई भी लक्ष्य, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, कोई भी लक्ष्य को। रिटन बाय रजत कुमार कर। थैंक यू, दैट्स ग्रेट सर। लास्ट क्वेश्चन है सर रैपिड फायर, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल? मेरा सर फेवरेट YouTube चैनल, स्वाभाविक रूप से मैं बोलूंगा मेरा एक एकेडमी का चैनल है। okay. और उसके बाद में मैं बिल्कुल दिल से प्रमोट करना चाहूंगा चैट विद सुरेंद्र वत्स। यू आर ग्रेट सुरेंद्र जी, आपने जबरदस्त काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। सब लोगों को हम एक साथ में देख लें, सबका सार हम लोग ले जा रहे हैं, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारा समय दिया, ये आपका हमने सेकंड टाइम आपसे समय लिया है। जी जी। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको हम सेकंड टाइम हम कहीं बुलाते हैं या वो समय दे पाते हैं। जी जी। सो हम आपके बहुत आभारी हैं, थैंक यू वेरी मच सर। और इस उम्मीद के साथ कि हम दोबारा फिर आपको बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। रजत सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे व्यूअर्स की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से ये एक छोटी सी भेंट आपके लिए है। ये इसमें हम लोग इसको क्या बात, तो लाइट जगा देते हैं सर इसके। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये थे श्री रजत कुमार कर, सिंप्लिसिटी और सफलता का संगम। हम बहुत आभारी हैं रजत कर सर के, उन्होंने हमें टाइम दिया। और आप जिन लोगों से मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे जाके कमेंट में लिखिए, हम उम्मीद करते हैं कि उनको हम लोग बुलाएंगे, आप लेके आएंगे उन सबको। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आगे कौन आने वाले हैं वो नोटिफिकेशन आपके पास में आएगी जब आप बेल आइकन जरूर दबा देंगे। तो एक बार फिर आप सबका धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।